बहुत अच्छा मेरा सबसे चहेता टॉपिक है एंड इट इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब खुशियां। अभी खुशियां कहां से आती है? देखो दो चीज होती है, एक है लाफ्टर, लाफ्टर अलग है और हैप्पीनेस अलग है। हैप्पीनेस का जन्म कहां से होता है, हैप्पीनेस आता कहां से? आप याद रखना, खुशियां कब आती है मालूम है? जब आप किससे कुछ लेते हो उसमें कम खुशी होती है, लेने वाले को कम खुशी होती है। हमको जनरली क्या लगता है, जो पाता है उसको खुशी मिलती है, लेकिन जो देता है उसको पाने वाले से कई गुना ज्यादा खुशी मिलती है। आप देखना, बेटे के लिए आप घड़ी लेके आए, बेटा बहुत खुश होगा लेकिन बाप उससे 10 गुना ज्यादा खुश होगा। तो हमें क्या लगता है कि खुशियां आती कहां से है, कि कुछ पाने से खुशियां आती। एक बुक के अंदर मैंने छोटा सा कहानी मैंने पढ़ा था, बढ़िया इंटरेस्टिंग कहानी था। तो दोस्त मिलते हैं, तो दूसरा दोस्त बड़ा खुश है, जबरदस्त एकदम खुश है, और बड़ी सी गाड़ी में से वो उतरा हुआ, 10-12-15 लाख की गाड़ी से उतरा हुआ है। बोले क्या बात है यार, तू इतनी बड़ी गाड़ी में? अरे तुझे मालूम है मेरे भाई ने मेरे को गिफ्ट दिया, मेरे भाई ने गिफ्ट दिया। ये एकदम सोचने में पड़ गया। बोला तू क्या सोच रहा है? नहीं दोस्त मैं भी कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा है? तू भी यही सोच रहा है ना, मेरे जैसा, मेरा जैसा भाई है तेरे को भी वैसा भाई मिले। नहीं नहीं यार, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं तेरे भाई जैसा बनूं और मेरे भाई को मैं गाड़ी गिफ्ट करूं, ऐसा मैं सोच रहा हूं। दोस्तों पाने में जितनी खुशी है उससे कई गुना ज्यादा देने में खुशी है। सिंपल लॉजिक है, लेकिन क्या है, हम लोग है ना आजकल ऐसे ऐसे लाइफ के अंदर में चले गए ना, बस सब कुछ पाना चाहते हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं। जब कभी छोड़ के देखो उसके बाद में फिर खुशियां, कितनी खुशियां आती है वो आपको पता चलेगा। आज तक का हमारा लॉजिक क्या होता है, जीने का लॉजिक क्या होता है कि समझ लो हम ये समझते हैं कि ये भाई साहब मेरे को सुख दे रहे, हम ये समझते हैं कि ये भाई साहब मेरे को दुख दे रहे, हम ये समझते हैं ये भाई साहब मेरे को सुख दे रहे, ये भाई साहब ने मेरे को दुख दिया। कुछ हमारे साथ एक्शन होती है और उसमें से हम ये समझ लेते हैं कि ये भाई साहब ने मेरे को ये दिया, ये भाई साहब ने मेरे को वो दिया, ये मैडम ने वो दिया, ये मैडम ने ये दिया। अगली 10 मिनट में आपको समझेगा, कोई व्यक्ति आपको कुछ नहीं दे रहा है, आप उससे ले रहे। अगर मैं ये मान के चलता हूं ये भाई साहब ने मेरे को सुख दिया, ये भाई साहब ने सुख नहीं दिया दुख नहीं दिया, ये तो न्यूट्रल है, उन्होंने तो एक एक्शन मेरे साथ की, मेरे साथ कुछ बात की, लेकिन मैंने इनमें से सुख लिया। ये भाई साहब, उनको लगता है ये भाई साहब ने दुख दिया, इन्होंने कुछ नहीं दिया, मैंने उनसे दुख लिया। अब ये लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनना। एक जैन मुनि है विजय रत्न सुंदर सूरी महाराज, उनकी बुक का भी बहुत अच्छा प्रभाव रहा है मेरे जीवन में। उस बुक का थीम क्या है, दुख कहां से जनरेट होता है? जिन जिन लोगों ने मुझ पर उपकार किया उनका नाम मैंने पानी में लिख डाला, और जिन लोगों के ऊपर मैंने उपकार किया उनका नाम मैंने मार्बल पे लिख डाला। अब ये दुख देखो कैसे आता है, अब मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। प्रकाश जी मेरे दोस्त है, किसी दिन मेरे पास आए और आके मेरे से उन्होंने पैसे की मदद मांगी। मुकेश मेरे को 50,000 रुपए की जरूरत है, पड़े थे मेरे पास भी, मैंने भी उनको 50,000 रुपए दे दिए, समय पे उन्होंने लौटा दिए, उन्होंने बोला 2 महीने में लौटा दूंगा, 2 महीने के पहले उन्होंने लौटा दिए पैसे। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने उपकार किया, तो मैंने उपकार किया तो मैंने प्रकाश जी का नाम कहां लिखा, मैंने मार्बल पे लिखा, और ये दुख के अलावा कुछ भी नहीं दे सकता है समाज को। अब कैसे दुख कहां से जनरेट होता है देखो, और हैप्पीनेस कहां से होगा। प्रकाश जी 2 साल के बाद अभी वापस मिल रहे हैं, समझ लो इसी फंक्शन में वापस मिल गए हम लोग हॉल के बाहर में। अब प्रकाश जी को मैं भूल नहीं पाया तो मेरे डायलॉग कैसे होंगे, अभी मैं कैसी शुरुआत कैसे करूंगा, क्या रे भाई तेरे को इन 2 सालों में पैसों की जरूरत पड़ी नहीं लगता है? जब जब भी पैसों की जरूरत पड़ती तभी तेरे को मुकेश जोशी याद आता, क्या रे तेरे को 5,000 की औकात नहीं थी तेरी, 5,000 की 50,000 रुपए दे ले। अभी सच में बोलना बेचारे प्रकाश जी का हालत क्या हो जाए, अच्छे खासे मूड में आए थे सेमिनार में, वाट लगा दिया, पूरा समाज दुख में चल रहा है।
अच्छा, और देखो मेरे, हम सभी के दो ग्रुप है जीवन में, व्यवहार की बात है, हैप्पीनेस की बात है, खुशी की बात है। हमारे साथ दो ग्रुप है, एक ग्रुप जिन्होंने मुझ पर उपकार किया, दूसरा ग्रुप जिनके ऊपर मैंने उपकार किया। बोलो तीसरा कोई ग्रुप है क्या जिनको हम जानते हैं? दो ही ग्रुप है। अच्छा, ये दो ग्रुप है जिनके ऊपर, जिन जिन लोगों ने मुझ पर उपकार किया उसको मैं भूल गया, तो वो तो दुखी है ही पूरा ग्रुप। कभी आके देखा क्या, 50,000 रुपया दिया, जिंदगी भर उसको याद रखना है, हमारा कुछ नहीं। बहुत अच्छा तरीका क्या है मालूम है, और शानदार तरीका, बढ़िया तरीका, खुशी ही खुशी मिल सकती है। सेम केस को थोड़ा रिवर्स कर ले। मेरे को 50,000 का जरूरत था, मेरे अच्छे दोस्त थे, 50,000 दिए, 2 महीने में लौटा दूंगा, लौटा भी दिए। मैंने अच्छा काम क्या किया, मैंने उनका नाम मार्बल पे लिख दिया। उन्होंने भी अच्छा काम क्या किया, मेरा नाम पानी पे लिख डाला। हिंदी में बोलते हैं ना हम लोग, नेकी कर दरिया में डाल। सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन थियोरी मैंने आपको दिया जिंदगी का। देखो भाई साहब को अभी रिवर्स केस है, अभी भाई साहब 50,000 रुपए मैंने उनको लौटा भी दिए, लेकिन मैंने मार्बल पे लिखा। अब सेमिनार में हम मिल गए, अब मेरे डायलॉग क्या होंगे? वो तो बोलेगा ही नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने तो पानी पे लिख डाला, भूल गया वो तो, प्रकाश भूल गए। लेकिन प्रकाश को मैं मिलूंगा, मैंने याद रखा है। मार्बल पे लिखने का मतलब क्या है? बार बार याद रखना, जिंदगी भर तक याद रखना, मरते दम तक याद रखना। इसका मतलब है पत्थर पे लिखना, दिस इज वी कॉल एज हैप्पीनेस। ये अंदर से और ऐसी कितनी खुशियां हम लोगों को दे सकते हैं, जब भी मौका मिले वहां पर ये बात करते रहो, एंड फिर देखो खुशियों, कितनी खुशियों का इसके अंदर में बढ़ोतरी होती जाएगी, आपको पता चलेगा। महाभारत और रामायण हमारे पास में दो ग्रंथ है, और हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि रामायण हमेशा घर में रखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। महाभारत और रामायण ये दो ग्रंथ है, ये दो ग्रंथ के अंदर आप देखना, रामायण में हर कैरेक्टर क्या करता है मालूम है? हर कैरेक्टर एक दूसरे के लिए जिया है, और महाभारत का हर एक कैरेक्टर खुद के लिए जिया है। याद करो आप, राम भगवान वनवास चले गए, किसके लिए चले गए? दशरथ, वचन दिया था, पिताजी का वचन था, खुशी खुशी उन्होंने मान लिया, खुशी खुशी चल दिए, क्योंकि मेरे पिताजी ने वचन दिया था, मैं उनका हूं। आप देखना रामायण में समर्पण, रामायण में प्रेम, रामायण के अंदर में मेरा कुछ नहीं, जो भी मैंने किया मैंने तुम्हारे वास्ते किया। और जब हम किसी के वास्ते कुछ करते हैं तो हैप्पीनेस का जन्म आता है, उसकी खुशियां मिलती है। उस समय राम को दुख नहीं था कि 14 साल मुझे वनवास में जाना पड़ेगा, चेहरे के ऊपर खुशी थी। कौन सी खुशी थी? मेरे पिताजी ने दिया हुआ वचन मैं निभा रहा, उस चीज की खुशी थी अंदर से। अभी का राम होते तो सठिया गया बाप, इसका सुनने का नहीं, ये अभी के राम होते। अच्छा, राम चल दिए, राम के पीछे सीता मैया चल दिया, क्यों चल दिए? प्रभु मैं भी तुम्हारी, मैं यहां कैसे रह सकती हूं? तो पहले समर्पण था, पहले प्रेम था, उसके पीछे चल दिए लक्ष्मण, बड़े भैया मैं यहां क्या करूंगा, भैया की और भाभी की सेवा करूंगा। जिसके लिए ये सब झमेला हुआ, ये पूरी रामायण हुई, वो भरत ने तो कभी उस गद्दी को अपना समझा ही नहीं। कितना समर्पण, देखो 14 साल वो तो उस गद्दी पे बैठा ही नहीं, जिसकी वजह से ये सब हुआ। एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार, इसके लिए हमारे पूर्वज कहते हैं रामायण पढ़ो और रामायण घर में रखो, क्योंकि प्रेम छलकता है, हर चीज में प्रेम आता है। और महाभारत देखो, हर कैरेक्टर मेरा, हस्तिनापुर मेरा, मेरी माता गांधारी को अंधी कहा उसने, नहीं छोड़ूंगा मैं, हमारी पांचाली के साथ दुर्व्यवहार हुआ, नहीं छोड़ेंगे उन कौरवों को। क्या था हर कैरेक्टर? कौन था? मेरा 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 मेरा, एक ही कैरेक्टर उसमें 13 वाला था, एक ही कैरेक्टर श्री कृष्ण। और देखो इसके लिए
हम उनको श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं। आज तक अर्जुन भगवान बोले क्या? आज तक भीष्म पिता भगवान भीष्म पिता बोले क्या? हम आज तक हमने किसी भी और कैरेक्टर को भगवान का नाम दिया क्या? क्योंकि सब मेरे वाले थे। लेकिन जो तेरा वाला है तो उसमें कृष्ण भगवान ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी किसके लिए लड़ी? तो दूसरों के लिए लड़ी। दूसरों के लिए उन्होंने जिंदगी जी और इन लोगों ने अपने लिए लड़ाई लड़ी। इसका मतलब क्या है मालूम है? जिस घर में मेरा 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 चलता है वहां महाभारत होती है, और जिस घर में तेरा 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 चलता है उस घर के अंदर में शांति होती है, समर्पण होता है, प्रेम होता है, और रामायण उस घर के अंदर में चलती है। आप सोच के देखो खाली। और जिस घर में अगर ये होता है कि सास बोलेगी कि मेरी बहू इतनी अच्छी है कि दो वक्त का खाना पकाती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता, मुझे कुछ काम नहीं करना देती, और बहू ये बोलेगी कि मेरी सासू माँ इतनी अच्छी है कि सुबह में उठ के वो हमारे वो के वास्ते चाय बनाती है। समझ में आ रहा है? देखो किससे सेम है, खाली क्या करना है अपने को? खाली मेरा मेरा की जगह पे तेरा तेरा करना शुरू करना है बस, और वहां से हैप्पीनेस, वहां से खुशियां जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। जहां जहां आपने ये चीज किया वहां से खुशियां आनी शुरू हो जाएगी।